क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर वैन नेचर इज सबर्ज इन स्पेस वी कॉल इट जब नेचर जो है वो सबमर्ज होता है स्पेस में तो हम उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए यूनिट ऑप्शन बी एग्जिस्टेंस ऑप्शन सी यूनिवर्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एवर्ब तो देखिए जब नेचर जो है वो सबमर्ज होता है स्पेस में तो नेचर प्लस सम्मर्ज इन स्पेस तो उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव वैन समथिंग इज एक्टिव और हैज़ एक्टिविटी वी कॉल इट तो जब कोई भी चीज़ एक्टिव होता है या फिर कोई चीज़ एक्टिवी एक्टिविटी हो रही होती है उसमें तो उसको हम क्या कहते हैं ऑप्शन है, है यूनिट ऑप्शन भी एक्सिस्टेंस ऑप्शन सी यूनिवर्स या फिर ऑप्शन डेन ऑफ द None of the above. तो कोई भी ऐसी चीज जो एक्टिव हो या फिर एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर तो उसको कहते हैं यूनिट ऑप्शन ए इज द कैट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स को एग्जिस्टेंस इज वैन नेचर इज सबर्ज इन तो को एक्स्टेंस कब होता है जब नेचर सबमर्ज होता है किस में तो अभी जस्ट आपने 64, 64 में देखा था कि नेचर इज सब्ड इन स्पेस तो को एक्टेंस इज वन नेचर इज समस्ड इन क्या हो जाएगा ऑप्शन एन ऑप्शन बस ऑप्शन सी स्पेस ऑप्शन डी यूनिवर्स तो यहाँ पे जो कैट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी स्पेस नेचर जब सबमर्ड होता है

सॉयल मिनरल मेटल्स इन सब के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट सिक्सटी एट इज द नेचुरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ मेटेरियल ऑर्डर इस तो जो मेटेरियल ऑर्डर है जो भी आपने देखा सॉयल मिनरल मेटल तो ये जो इसकी जो नेचुरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स होती है वो क्या होती है कंपोजिशन डिकम्पोजिशन ऑप्शन बी कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रेस्पिरेशन ऑप्शन सी कंपोजिशन डिकम्पोजिशन प्लस रेस्परेशन प्लस सिलेक्शन इन आई या फिर ऑप्शन डी नेचुरिक वर्सन तो देखिए जो मटेरियल ऑर्डर होता है वो क्या है वो बनते हैं बिगड़ते हैं बनते हैं बिगड़ जाते हैं बनते हैं नष्ट होते हैं, बनते हैं नष्ट होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कंपोजिशन एंड डी होता है मटेरियल ऑर्डर में तो 68 क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कंपोजिशन डिकम्पोजिटेटि नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटर ऑर्डर इज कम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ऑर्डर आर तो आपको पाना कि बेसिक एक्टिविटी प्लांट ऑर्डर का क्या है अज्यूमिंग रिकोगनाइजिंग रिकोगनाइजिंग फुलफिल्मेंट ऑप्शन सी नोइंग अज्यूमिंग अवर ऑप्शन डी न ऑफ द बब तो देखिए प्लान ऑर्डर एनमल ऑर्डर ह्यूमन ऑर्डर और मेटीयल ऑर्डर इन सबके अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं तो एनिमल और ह्यूमन ऑर्डर में आप पाएंगे कि वहाँ पे अज्यूमिंग भी होता है लेकिन जो मेटेरियल ऑर्डर और प्लान ऑर्डर होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो एक्टिविटी होती है बेसिक एक्टिविटी रिकोगनाइजिंग एंड फुलफिल्मेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट ऑप्शन ऑप्शन बी रिकोगनाइजिंग एंड फुलफिल्मेंट आर दी कट ऑप्शन बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्लांट ऑर्डर में होते हैं रिकोगनाइजिंग एंड फुलफिलमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी कन्फॉर्मेंस ऑफ मेटीरियल ऑर्डर इज टर्म्ड एज तो जो कन्फॉर्मेंस होता है मेटेरियल ऑर्डर में उसको हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए राइट वैल्यू ऑफ संस्कार कन्फॉर्मेंस ऑप्शन बी ब्रीड कन्फॉर्मेंस ऑप्शन सी सीड कन्फॉर्मेंस या फिर ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस तो कन्फॉर्मेंस ऑफ मेटेरियल ऑर्डर को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस कंस्टिट्यूट होता उसमें है उसमें चीजें होती हैं मेटेरियल ऑर्डर तो ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है कंफॉर्मेंस ऑफ प्लांट अब्लिक बायो ऑर्डर इज कॉल्ड एज तो प्लांट या बायो ऑर्डर की कन्फॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं ऑप्शन है राइट वैल्यू ऑफ संस्कार कंफॉर्मेंस ब्रीड कंफॉर्मेंस सीड कन्फर्मेंस या फिर कंस्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस तो देखिए यहां पे क्या प्लांट बायो तो ये क्या है सीड सीड कंफॉर्मेंस ऑप्शन सी इज दी कैट ऑप्शन सीड कन्फॉर्मेंस कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू कंफॉमेंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर इज कॉल्ड एज तो जो ह्यूमन ऑर्डर का कंफॉर्मेंस होता है उसको क्या कहते हैं राइट वैल्यू ऑफ संस्कार कंफॉर्मेंस ब्रीड कन्फॉर्मेंस सीड कंफॉर्मेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन कर्फॉर्मेंस तो राइट right वैल्यू और संस्कार कंफॉर्मेंस ये किसमें होगा ये ह्यूमन ऑर्डर के होता है ब्रीड कन्फॉर्मेंस एनिमल ऑर्डर सीड कंफॉर्मेंस प्लांट ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस मेटेरियल ऑर्डर सेवेंटी थ्री क्वेश्चन द वैल्यू और पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन एक्जिस्टेंस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज देयर तो क्वेश्चन है द वैल्यू और पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन एक्जिस्टेंस इज ऑल्सो रिफर्ड तो जो वैल्यू या पार्टिसिपेशन होता है डिफरेंट ऑर्डर का जो मटेरियल एनिमल ह्यूमन ऑर्डर या फिर जो है प्लांट ऑर्डर इनका जो एग्जिस्टेंस के साथ वैल्यू या पार्टिसिपेशन होता है उसको किस तरीके से किस टर्म से रिफर करते हैं इन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक एक्टिविटी या कन्फॉर्मेंस तो इसको रिफर किया जाता है ऑप्शन बी नेचुरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स द वैल्यू और पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो रिफर टू एज देयर नेचुरल कैरेक्टर्स उनकी नेचुरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स को रिफर करता है क्वेश्चन ट्वेंटी फोर द नेचुरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स या स्वभाव ऑफ ए ह्यूमन बींग तो जो किसी भी ह्यूमन बींग की स्वभाव या नेचुरल कैरेक्टर्स होती है वो क्या होती है परसिवरेंस ब्रेवरी एंड जेनरेसिटिटी ऑप्शन बी रिकोग्नीशन फुलफिलमेंट ऑप्शन सी ग्रोथ या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एवर तो नेचुरल या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीन आर परसिवरेंस ब्रेवरी एंड जेनरोसिटी ऑप्शन ए इज द कैट ऑप्शन क्वेश्चन सेवेंटी फाइव द फीलिंग दैट आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई बॉडी एंड हिंस आई रिसोर्ट टू फोर्सफुलनेस एंड वायलेंस इज कॉल्ड एज तो ये इसमें आपको बताना है कि ये फीलिंग कि मैं अपनी बॉडी का केयर नहीं कर सकता हूँ और उसके लिए मैं फोर्सफुलनेस या फिर वायलेंस का यूज़ करूँगा रिसोर्ट तो इसको क्या कहते हैं ग्रेटिट्यूड जनरोसिटी नॉन क्रुएल्टी या फिर 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 क्रुअल्टी तो बटॉपिक जब आप फोर्सफुलनेस या फिर वायलेंस में आते हैं उसको क्या क्या कहेंगे क्रोयल्टी तो ऑप्शन डी इज द कैट ऑप्शन सेवेंटी का ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स एक्टिविटी इन सेल्फ दैट एक्सप्रेस द फैकल्टी ऑफ डिजायरिंग इज कॉल्ड एज तो यहाँ पर जब आपको बताना है कि वो एक्टिविटी जो होती है सेल्फ के अंदर जो एक्सप्रेस करती है फैकल्टी ऑफ डिजायरिंग डिजायर होने की उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए को एग्जिस्टेंस ऑप्शन बी कॉन्सियसनेस ऑप्शन सी कंटेप्लेन या फिर ऑप्शन तो इन कहते हैं ऑप्शन बी कॉन्सियसनेस कॉन्सियसनेस को कहा जाता है एक्टिविटी इन सेल्फ दैट एक्सप्रेस द फैकल्टी ऑफ डिजायरिंग नेक्स्ट है इनसेपरेबल फ्रॉम ए यूनिट इज कॉल्ड एज तो किसी यूनिट से इनसेपरेबल होना उसको क्या कहलाता है है परसिवरेंस पीस या फिर bliss. तो यहां पर जो कैड ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इनेटनेस यानी कि इनेटनेस एकदम मिला हुआ है घुला हुआ है उसमें तो यूनिट इनसेपरेबल फ्रॉम यूनिट यूनिट से जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता उसको क्या कहेंगे इनेट 78 में, right तो है जो कि रिलेशनशिप में रह रहे हैं और म्यूचुअल फुलफिलमेंट इंश्योर कर रहे हैं राइट अंडरस्टैंडिंग प्रॉस्पेरिटी के साथ उसको क्या कहेंगे फैमिली सोसाइटी कॉन्सियसनेस डेवलपमेंट या फिर कहते हैं फैमिली फैमिली में क्या है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिलेशनशिप में रहते हैं mutual fulfillment और म्यूचुअल फुलफिलमेंट इंश्योर करते हैं राइट right अंडरस्टैंडिंग और प्रॉस्परिटी को भी इंश्योर करते हैं तो वो फैमिली होता है ऑप्शन ए सेवेंटी नाइन है द सिस्टम इन नेचर आर तो जो सिस्टम होता है नेचर में वो क्या है प्रीडोमिनेट होता है साइक्लिक एंड सेल्फ सेलफिलिंग होता है साइक्लिक एंड म्यूचुअल फुलफिलिंग या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द वैब तो सिस्टम इन नेचर इज साइक्लिक एंड म्यूचुअल फुलफिलिंग साइक्लिक होता है और म्यूचुअल एक दूसरे को भी फुलफिल करते हैं एक दूसरे की नीड को लास्ट क्वेश्चन था ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के प्रीवियस ईयर के एम एग्जामिनेशन में एटियथ क्वेश्चन द डेफिटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पॉलिसीज एंड करेक्टर इस टर्म एस तो डेफिनीटिवनेस जो होती है ह्यूमन कंडक्ट में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पॉलिसीज और कैरेक्टर उसको क्या कहा जाता है प्रोफेशनल एथिक्स या फिर और एथिक्स या फिर ह्यूमन बिहेवियर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव तो उसको कहा जाता है एथिक्स ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन तो ये टोटल एटी क्वेश्चन थे ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के जो कि एके ट्यू के प्रीवियस ईयर यानी टू थाउजेंड ट्वेंटी में एम बी ए में एमसीक्यू एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें ये पूछे गए थे तो विश यू ऑल द बेस्ट की वॉचिंग द चैनल फॉर मोर मोबाइडोर्स थैंक यू